Rahman Rahim. To start with the neuroanatomy, we have to go to the introduction and organization of nervous system. Nervous system is the system of coordination by means of which all body parts coordinate. There are two types of nervous system, central and peripheral. Central includes brain and spinal cord, while peripheral includes nerve fibers and their ganglia. Both brain and spinal cords are enclosed by three layers of membrane known as meninges, known as pyameter, arachnoidmeter, durameter, and these are suspended in the CSF, cerebrospinal fluid. CNS contains a large number of neuron, nerve cell होते हैं उसमें, उनके processes होते हैं जो कि dendrite हो सकते हैं जिससे information toward the cell body आ सकती है, और axon हो सकते हैं जिससे information away from the cell body जा सकती है. इसके बाद हमारे पास neuroglia है. neuroglia हमारे पास supporting cell होते हैं. ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है. ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास मेनली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, और वाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ का कलर जो है वो वाइट कलर का होता है लिपिड मटेरियल की वजह से. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आते हैं. क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व के हमारे पास 31 और 32 एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पेयर्स होते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है. ऑटोनॉमिक के अंदर हमारे पास पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक होता है. सिंपथेटिक फेयर फाइट फ्लाइट वाला होता है, और पैरासिम्पथेटिक रिलैक्स स्टेट वाला होता है. इसके बाद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कैनाल के अंदर सिचुएटेड होती है. इसको तीनों लेयर्स ऑफ मेनिन्जीज ने सराउंड किया होता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइडमेटर, पायामेटर, ड्यूरा आउटर वाली और पाया इनर वाली. इसके सेंट्रल कैनाल के अंदर हमारे पास CSF होता है, और इधर सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है वो कॉन्टीन्यूस होती है, ब्रेन के अराउंड भी और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी सब एरेक्नॉइड स्पेस. उसके बाद हमारे पास जो फोरामिन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की एलोंगेशन होती है, और लंबर रीजन में टर्मिनेट होती है एस्कॉनस मेडुलारिस एंड फाइलम टर्मिनेल. फाइलम टर्मिनेल जो है वो पायामेटर की एलोंगेशन है, जहाँ पे पायामेटर और ड्यूरामेटर दोनों होंगी वो फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नल होगा, और जहाँ पे से पायामेटर होगी वो फाइलम टर्मिनेल इंटरनल होगा. इसके बाद हमारे पास इसके इंटीरियर या मोटर रूट होती है, और पोस्टीरियर जो एरिया होता है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का होता है सेंसरी एरिया. इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दरमियान में एक बटरफ्लाई शेप ग्रे कोर होता है, उसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और बाहर वाला जो होता है वो वाइट मैटर होता है. इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स और कमीशोर्स होते हैं. ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, ये हमारे पास इसका इंटीरियर ग्रे कॉलम, ये इसका लेटरल ग्रे कॉलम. लेटरल ग्रे कॉलम थोरेसिक और अपर लंबर में होता है. उसके बाद हमारे पास ये इसके डॉर्सल वाइट कॉलम, डॉर्सल मीन बैक साइड पर जो होंगे, ये वेंट्रल वाइट कॉलम. ये हमारे पास लेटरल एरियाज, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स होंगे, उन ट्रैक्स को हम आगे जाके स्टडी करेंगे. कॉनस मेडुलारिस क्या है, हमारे पास जो कोन लाइक टर्मिनेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो हमारे पास कॉनस मेडुलारिस बना देती है. और उसके नीचे जो हमारे पास कॉनस मेडुलारिस मीन हॉर्स की टेल की तरह की जो अरेंजमेंट होती है नर्व्स की, उसके बाद दरमियान से एक फाइलम बच जाता है, उसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल, वो कॉक्सिस रीजन तक जाता है. ये हमारे पास सेरिब्रम है. उसके अलावा ये हमारे पास फोर ब्रेन आ गया सेरिब्रम, और इसके अंदर साथ में हमारे पास थैलेमस, एपिथैलेमस वगैरह इंक्लूड होते हैं. थैलेमस, एपिथैलेमस, सब थैलेमस वगैरह सब कुछ, हाइपोथैलेमस. उसके बाद ये हमारे पास सेरिब्रम है. पॉन्स आएगा, मिड ब्रेन आएगा, मेडुला आएगा, ये सारा चीज़ें जो है ब्रेन में आ जाएंगे. नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा. स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर साइड है ना, वहाँ पे एक फिशर होता है, और पोस्टीरियर साइड पे सल्कस होता है. फिशर एक पूरा स्प्लिट है, एंटीरियर मीडियन फिशर, और पोस्टीरियर साइड पे सिर्फ एक सल्कस है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस. इसके पोस्टीरियर वाइट कॉलम है और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है. ये यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम है और ये एंटीरियर ग्रे कॉलम है. ये सेंट्रल कैनाल है. फोर ब्रेन फिर आ जाता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन को हम मेजन सेफलॉन भी कहते हैं, और फिर आता है हमारे पास फोर ब्रेन, इसको हम डायन सेफलॉन. और डायनसेफलॉन के अंदर हमारे पास हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है, और सेरिब्रम होता है.
अच्छा, फर्स्ट चैप्टर के क्लिनिकल्स में से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड का रिलेशन ड्यू टू टू डिफरेंट वर्टिब्रल नंबर्स। सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगे तो हमने एक स्पाइनल सेगमेंट प्लस कर देना है, अगर थोरेसिक होंगे तो दो प्लस कर देने हैं, अगर हमारे पास थोरेसिक लोअर थोरेसिक होंगे 7 से 9 तो 3 प्लस करने हैं, अगर हमारे पास 10th थोरेसिक होगा तो L1 और L2 की कॉर्ड्स आएंगी उस लेवल पे, अगर 11th थोरेसिक होगा तो L3 L4 कॉर्ड आएंगी, अगर T12 होगा तो L5 के कॉर्ड सेगमेंट्स आएंगे, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सेक्रल और कोकीजियल कॉर्ड्स आएंगी। ये हमारे पास MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पाइनल नर्व इंजरीज हो सकती हैं हमारे पास ड्यू टू हर्निएशन ऑफ डिस्क। अब हर्निएटेड डिस्क मेनली अगर लंबर रीजन में होगा तो वो इम्पॉर्टेंट एक क्लिनिकल कंडीशन, उससे हमारे पास लंबर हर्निएशन ऑफ डिस्क से हमारे पास शाटिका की पेन होती है, फिफ्थ लंबर और फर्स्ट सैक्रल जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है जिससे पेन जो है वो लेटरल साइड ऑफ लेग पे फील होती है, शाटिका की पेन उसको कहते हैं। इसमें हमारे पास कॉमन साइन क्या होता है कि एंकल जर्क जो है वो एब्सेंट हो जाता है। इसके बाद स्पाइनल टैप क्या है कि हमने कोई ड्रग्स वगैरह इंजेक्ट करनी है और एनेस्थीजिया, तो हम एक नीडल इंसर्ट करेंगे सबअरेक्नॉइड स्पेस में जो कि हमारे पास विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द रूट्स, तो हमारे पास वहाँ पे ड्रेन हो जाएगी और एनेस्थाइज हो जाएगा पेशेंट, इसको हम स्पाइनल टैप कहते हैं। ये जो है हम L1 से लोअर देंगे एडल्ट में और L3 से लोअर देंगे इन्फेंट्स में, क्योंकि L1 हमारे पास वो लेवल है जहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड लास्ट होती है एडल्ट्स में और L3 वो लेवल है जहाँ पे इन्फेंट्स में होती है, और लोअर बॉर्डर ऑफ सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा तक हम इसको दे सकते हैं क्योंकि सब एरेक्नॉइड स्पेस ही S2 तक होती है। अब ये एक चीज़ की नीडल जो है वो किस किस के थ्रू पास करेगी, कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, स्किन को पियर्स करेगी सबसे पहले, फिर सुपरफिशियल फेशिया को, फिर सप्रा स्पाइनस लिगामेंट को जो कि स्पाइंस ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़ के ऊपर होते हैं, उसके बाद हमारे पास इंटर स्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करेगी, लिगामेंटम फ्लेवम को, फिर एरोलर टिश्यू जो कि यहाँ पे वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस जिसमें होगा उसको, फिर ड्यूरा मैटर को, फिर एरेक्नॉइड मैटर में हम इसको लेके आएंगे। 1.2 ये हो जाएगा तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर डीप, और चिल्ड्रंस के अंदर हमारे और ओबीस पेशेंट के अंदर ये 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ये चाइल्ड में 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच, और 4 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर तक, 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर डीप हो सकता है ओबीस पेशेंट में, वो नीडल का साइज़ कि हमने किस तरह की कौन सी नीडल लेनी है ये डिपेंड करता है बंदों पे।